नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरा चैनल का नाम है फ्रैपर एक्वा। सो इस वीडियो में मैं क्या दिखाने वाला हूँ, आपने तो टाइटल तो ऑलरेडी देखा होगा। तो एनीवे, तो ये मेरा एक इंग्लिश वीडियो, मैंने जो मेरा चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो है। तो बेसिकली ये जो हम सीड्स लेके ड्राई स्टार्ट मेथड जो करते हैं, जो सीड्स को स्प्राउट करते हैं और उसके बाद में हम एक कारपेट बनाने की एंटायर प्रोसेस, वो मैं दिखाने वाला हूँ ये वीडियो में। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में, उसका लिंक आपको दिखेगा अभी, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है और इसमें बहुत सारा व्यूज़ भी आए हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो मैंने ऑलरेडी तमिल में भी रिक्रिएट किया, तो उसमें भी मेरे को बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला एंड बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो एक चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वीडियो बराबर नहीं है, ये फ्रॉड है, ये सब ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो एक्वाटिक सीड्स जो आपको मिलते हैं, तो वो ये जो सीड्स आपको मिलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी 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 कभार हमको सीड्स अच्छे वाले नहीं मिलते हैं, कभी कभार सीजन की वजह से हैच नहीं होते, आई मीन स्प्राउट नहीं होते, और कभी कभी अगर आपके पानी में बहुत सारे मिनरल्स हैं तो वो स्प्राउट नहीं करेंगे। तो बहुत सारे रीजंस हैं, और ये जो वीडियो मैंने जो दिखाया है, ये ऑलमोस्ट 10 मंथ्स मेरे टैंक में रहा है, ये यू नो द जो प्लांट्स जो उगे, मेरा हिंदी उतना बराबर पता नहीं, बट एनीवे, तो ये जो प्लांट्स आए तो वो ऑलमोस्ट 10 to 12 मंथ्स रहे हैं। और उसके बाद में भी मैंने एक और प्लांटेड टैंक का वीडियो किया था मेरे कज़न के घर पर, तो उनके टैंक में भी मैंने ये सीड्स डाले थे, लेकिन वो अब तक है, वो जो सीड्स के अंदर से जो स्प्राउट होके निकले हैं वो 2 साल हो गए हैं, अभी भी टैंक में है। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि वो मेल्ट हो जाते हैं, कि फेड हो जाते हैं, बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आते रहते हैं। बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मेल्ट होना वंस द स्प्राउट होने के बाद सीड का ही प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, पानी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो एक चीज़ भी आप फोकस कीजिए, और अगर आपके पास टीडीएस मीटर है तो आपका मिनरल लेवल थोड़ा पानी में वो भी चेक कीजिए, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। और डेफिनेटली सीड्स का क्वालिटी भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर ये ड्राई स्टार्ट मेथड डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने जो दिखाया कि ये एंटायर प्रोसेस कैसे करते हैं, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो एंड तक देखिए। और एक और चीज़ जो ये वीडियो में जो मैंने चीज़ यूज़ किया है, ये सीड्स का भी एक लिंक है अमेज़ॉन में, बहुत लोगों ने खरीदा है और बहुत लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला है, तो उसका लिंक भी मैं इसमें छोड़ रहा हूँ। और बहुत सारे सॉइल के ऑप्शंस, बड़े छोटे बैग्स का और फिल्ट्रेशन का, लाइट्स का, सबका जो भी मैं अमेज़ॉन से हमेशा खरीदता रहता हूँ, उसका भी लिंक्स मैंने ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप उधर से अगर आपको चाहे तो उधर से भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो वीडियो के अंदर चलते हैं, चलिए। तो पहला चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक फ़िश टैंक। तो ये टैंक बहुत छोटा सा टैंक है, 12 इंचेस विड्थ है इसका, और हाइट भी 12 इंचेस, और डेप्थ इसका खाली 8 इंचेस है। और इसके बाद में जो हमें चाहिए वो है लाइट। जो लाइट जो है हम मैंने ये लाइट अपने आप बनाया था, और दूसरा जो है आप कुछ भी दूसरा नॉर्मल एलईडी लाइट भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लाइट्स का मैंने लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आपके टैंक के हिसाब से आप
वो लाइट आप खरीद सकते हो। अगला जो है हमें चाहिए वो है एक्वा सॉइल। तो मैंने इसमें ADA का एक्वा सॉइल यूज़ किया है, आप कुछ भी दूसरा भी एक्वा सॉइल यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए ये हैं सीड्स। सीड्स जो है मैंने अभी मेरे एक दोस्त के दुकान से लिया था इसको, ये अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने जैसे इंट्रो में बोला क्वालिटी को डिपेंड करता है, पता नहीं कौन सा क्वालिटी कब काम करेगा। और हमें जो चाहिए एक प्लास्टिक का फॉइल, एक नहीं तो प्लास्टिक का रैप, जो हम टैंक को ऊपर से पूरी तरह से कवर कर सकते हैं, वैसा एक प्लास्टिक रैप। आप प्लास्टिक का कुछ कवर भी यूज़ कर सकते हो जिसको आप पूरी तरह से टाइट से आप एयर ना घुसने जैसा कवर करने के लिए एक प्लास्टिक रैप चाहिए। और हमें चाहिए जो है स्प्रे गन, जो हम पानी स्प्रे करने के लिए, जब सीड्स डालने के बाद ये सॉइल को हम थोड़ा सोखने के लिए थोड़ा पानी स्प्रे करना पड़ेगा, इसलिए एक स्प्रे गन चाहिए। तो इसलिए एक स्प्रे गन हमें चाहिए नॉर्मल पानी के साथ। ठीक है, तो हम चलिए ये प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो अभी पहला हम सॉइल को डालते हैं, और आपको जैसा आपको स्केप करने का है उसके हिसाब से आप सॉइल को कुछ भी एक फ्लैट स्पून नहीं तो कुछ भी आप यूज़ करके उसको आप फ्लैट लेवल कर सकते हो आप। ठीक है, तो हाँ, तो जिसके आपको जिसका जैसा आपको चाहिए वैसा आप उसको आप स्केप कर सकते हो। तो ये स्केप में मैंने एक लेफ़्ट साइड की तरफ में थोड़ा हाइट को थोड़ा बड़ा रखा है, तो जैसे जब स्केप आएगा तो अच्छा दिखेगा, इसके लिए मैंने लेफ़्ट साइड को ऊपर किया। आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो अभी मैंने सीड्स जो है एक छोटे से डब्बे में डाला है, और देखते हैं कि और ये सीड्स को अभी हमें पूरे टैंक में पूरी तरह से स्प्रेड करना पड़ेगा, और धीरे धीरे डाल के सब जगह पे ये सीड को हमको डालना पड़ेगा उसको पूरी तरह से, तो तभी एक अच्छा सा कारपेट हमको मिलेगा। तो एक बार देख लीजिए कि पूरा सीड सब जगह पे इक्वली बराबर से है, तभी हमको एक पूरा ग्रीन जैसा हरा जैसा कारपेट आएगा जब भी वो स्प्राउट होगा। अगर एक एक जगह में मिस हो गया तो आप देख के थोड़ा वो कर सकते हैं। अभी हम स्प्रे गन लेके इसके ऊपर सिर्फ पानी डालते हैं, तो पानी जितना है जितना चाहिए उतना, जैसे जितना वो सॉइल को थोड़ा गीला करे, डैम्प होने का, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा ही चाहिए, तो वो एक मॉइस्चर बन के रहना चाहिए हमारे टैंक के अंदर, उसके लिए ही पानी का ज़रूरत है। पूरा पानी भर जाने से वो सीड स्प्राउट नहीं होगा, तो उसके हिसाब से हमको पानी जितना चाहिए वो देख के थोड़ा स्प्रे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी तरह से सब जगह पे, तो सॉइल पूरा सॉइल जो है वो पानी में थोड़ा सोख होने का, उसको ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम जो प्लास्टिक रैप हमने पहले लिया था उसको लेके टैंक को पूरी तरह से कवर करना पड़ेगा, जिससे एक मॉइस्चर क्रिएट होगा उसके अंदर, तो पूरी तरह से उसको बराबर से कवर करना पड़ेगा टैंक को ऊपर से, ये पूरा एयर टाइट होना चाहिए। इसके बाद हम लाइट को वापस डाल सकते हैं। तो ये सेटअप करने के बाद, जब पूरा कवर होने के बाद, लाइट को हमें 6 से 8 घंटा रोज़ लाइट ऑन रहना चाहिए। तो उसके वो लाइट हेल्प करता है सीड को स्प्राउट होने के लिए, तो जब तक वो स्प्राउट होगा तो उतने दिन हमको 6 to 8 hours 6 से 8 घंटा लाइट को चालू रखना चाहिए। एक 2-3 दिन के बाद हमें टैंक को देख के, जैसा अभी पानी का लेवल अगर थोड़ा कम हो गया तो फिर से एक और बार हमको पानी स्प्रे करना पड़ेगा। तो वो देखने के बाद, अगर पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए तो देख के हमको स्प्रे करना पड़ेगा 1-2-3 दिन के बाद, जितना हमारा सॉइल ड्राई नहीं होने का, सूखा नहीं होने का, तो उसमें थोड़ा पानी रहने का ही है। तो अगर कम होगा तो हम फिर से उसको स्प्रे करना पड़ेगा पानी। तो 3 दिन के बाद
अब देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन आपको स्प्राउट हो रहा है, तो देखते हैं कैसा होता है इसका इम्प्रूवमेंट। तो ये डे सिक्स है, डे सिक्स में आप देखिए और भी स्प्राउट हो गया है और दिखना भी अच्छा है। एक एक सीड खुल के अभी उसका जो प्लांट है वो बाहर आ रहा है। डे सिक्स में बहुत अच्छी तरह से स्प्राउट हुआ है। ऐसे जैसे मैंने पहले भी बोला, क्वालिटी के ऊपर मैटर करता है। कभी कभी ये स्प्राउट होने के लिए और भी टाइम लग सकता है। तो जैसा आपको ग्लास पे दिख रहा है, एक छोटा सा फॉग जैसा मॉइस्चर है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये प्रोसेस के लिए। अगर मॉइस्चर कम हो गया तो सीड स्प्राउट नहीं होगा, इसलिए हम उसको प्लास्टिक कवर से रैप करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि रूट्स अच्छी तरह से सॉइल के अंदर जा रहे हैं। कुछ कुछ रूट्स बहुत अंदर भी, बहुत डीप भी गए हैं, तो वो एक अच्छी बात है। ये जावा मॉस है जो एक पत्थर के ऊपर मैं बांध के इसके अंदर डालने वाला हूँ। तो अभी हमने वो पत्थर दो तरफ दो जगह पे रखा है और अभी सीड स्प्राउट हो गया है, तो हम इसमें अभी पानी भरेंगे। तो पानी भरने के टाइम थोड़ा देख के भरना पड़ेगा। एक प्लास्टिक का कुछ प्लेट आप रख सकते हो जिसके ऊपर हम पानी को डाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर सीधा हम डालते हैं तो पूरा जो सीड्स है, सॉइल है, सब शेक हो जाएगा। तो एक प्लेट को हम रख के धीरे धीरे करके पानी इसमें भर सकते हैं। तो इसलिए हम प्लास्टिक का प्लेट यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें वो स्केप का कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और पानी जब प्लास्टिक के प्लेट के ऊपर गिर रहा है तो नीचे में कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इसमें हमने पानी पूरी तरह से भर दिया है। अभी हम इसमें एक हैंग ऑन फिल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट के लिए। सोबो का ब्रांड का फिल्टर है ये। सोबो का 606H वाला फिल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके टैंक के हिसाब से आप दूसरे फिल्टर भी लगा सकते हैं। ये एक छोटा सा टैंक है, तो दूसरे कुछ फिल्टर्स का ऑप्शंस हमने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। आप आपके टैंक के हिसाब से देख के आप ले सकते हो। जनरली हैंग ऑन फिल्टर्स ड्राई स्टार्ट मेथड में शुरू नहीं होते, तो उसमें हमको पानी भरना पड़ता है, तो नहीं तो वो फिल्टर जल जाने का चांस है। अगर सबमर्ज्ड पंप है तो प्रॉब्लम नहीं है। ये सबमर्ज्ड पंप नहीं है, इसका पंप बाहर है, तो इसमें पानी भरना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन करने से पहले। अभी इसमें हम कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया का लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एक 5 to 10 days फिल्टर को चालू रख के टैंक को साइकिल करना पड़ेगा, तभी ये बैक्टीरिया कॉलोनी फॉर्म होगा टैंक में। उसके बाद में ही हमें फिशेस को ऐड करना चाहिए, नहीं तो हम कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया लिक्विड यूज़ कर सकते हैं और फिशेस को जल्दी हम ऐड कर सकते हैं।
इस टैंक में हमने जो ऐड किया है थोड़े नियॉन टेट्रास और थोड़े शिम्स, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको पता है पहले मैंने किया था, तो शिम्स एक्चुअली ऐसे वाले टैंक में ऐड करना अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो ये प्लांट्स को जड़ से निकालने का बहुत चांस है, तो शिम्स अवॉइड करेंगे तो ऐसा वाला टैंक सेटअप में बेहतर होगा। और जब भी आप फिश को ऐड कर रहे हैं और किसी दुकान से आप फिश को लेके आ रहे हैं, तो जो दुकान से जो पानी हम लेके आते हैं उसको कभी भी हमारे टैंक में नहीं डालना चाहिए। तो फिश जो मछली हम लेके आ रहे हैं तो उसको एक नेट में लेके बाद में हमारे टैंक में ऐड करना बेहतर होगा, क्योंकि जब अगर कुछ बैक्टीरिया दुकान से दुकान का पानी में आ गया तो वो हमारे फिश टैंक में आ जाएगा, इसलिए वो अवॉइड करने के लिए मछली को नेट में डाल के बाद में रिलीज कीजिए टैंक में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दबाइए और ज़रूर आपका कमेंट छोड़िए आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो जैसे मैंने पहले बोला था, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, बहुत लो कॉस्ट है, ट्राई कर सकते हो। अगर आप प्लांटेड में आप अंदर आने वाले हो तो आप ट्राई कर सकते हो, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। और क्या बोलूँ मैं, अगले वीडियो तक बाय बाय, एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। Thank you. Bye-bye.